हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे YTM के पिलेंट सिरप के बारे में। दोस्तों, इस सिरप के बारे में जानकारी तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप किसी बीमारी, किसी रोग, किसी समस्या से पीड़ित हैं और आप उसका निवारण चाहते हैं, समस्या का सॉल्व चाहते हैं, उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, सो दोस्तों आप नीचे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रही है उस पर आप चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द उसको देखेगी और आपकी जो समस्या होगी उसका सॉल्व देने का प्रयास करेगी। दोस्तों, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं YTM के पिलेंट सिरप के बारे में। दोस्तों, वैसे तो YTM पिलेंट टैबलेट के ऊपर मेरा वीडियो पहले से बनी हुई है। यदि आप उस वीडियो को पूरा वॉच नहीं किए हैं, देखे नहीं हैं, तो उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं। ओवरऑल आज के इस वीडियो में जैसा कि जानकारी ले रहे हैं YTM पिलेंट सिरप के बारे में। दोस्तों, ये जो सिरप होती है ये YTM कंपनी द्वारा बनाई जाती है, जो कि 200 ml के बोतल पैकिंग में उपलब्ध होती है। बेसिकली दोस्तों, हम इस सिरप के यूज़ की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें पिलेंट आ गया है। पिलेंट का मतलब क्या? पाइल्स से रिलेटेड ये जो सिरप है उसका प्रयोग किया जाता है। पाइल्स का मतलब क्या? मतलब बवासीर। दोस्तों, बवासीर एक ऐसा रोग है, ऑल ओवर हमारे इंडिया में 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे हैं जो कि पाइल्स यानी बवासीर से पीड़ित हैं। और बवासीर डिजीज जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो दोस्तों वह व्यक्ति एक दूसरे से बोलने में भी शर्माते हैं और उन्हें कंफर्ट फील नहीं होता है। सबसे पहले आप समझिए कि आखिरकार ये बवासीर रोग है क्या और इंसान को होता कैसे है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, वो बिल्कुल भी बदल चुका है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस भागम भाग की ज़िंदगी में हम सभी इतने भाग दौड़ करने लगे हैं चीज़ों को लेकर के, कामों को लेकर के, या किसी चीज़ को लेकर के, कि हम खुद पे टाइम नहीं दे पाते हैं, कभी भी खुद को ध्यान नहीं देते हैं कि आखिरकार हमारे बॉडी को किस प्रकार का खान पान की ज़रूरत है। हम इस भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से जंक फूड, फास्ट फूड, तेल से तला हुआ, भुना हुआ, ये कई सारे चीज़ें खाते हैं जो कि दोस्तों जंक फूड होती है, फास्ट फूड होती है, और उसमें जो हमारी बॉडी को चाहिए वो चीज़ें नहीं पाई जाती है। जैसे कि मैं बात करूँ तो फ्राइड फूड हो गया, तेल से तला हुआ, भुना हुआ चीज़ें हो गई, ये हमारी बॉडी को संपूर्ण तरीके नुकसान पहुंचाने का काम तो करती ही करती है। लेकिन इसके ऊपर मैं बात करूँ दोस्तों तो पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, चाट, ये कई सारे चीज़ें हैं आजकल के खाना में। दोस्तों, हम स्पाइसी भोजन का प्रयोग कर रहे हैं। स्पाइसी भोजन का मतलब क्या? ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मिनरल, विटामिन, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती है। और जंक फूड और फास्ट फूड अपने बॉडी के अंदर डाल डाल के हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दोस्तों ख़राब करते जा रहे हैं। और जब कोई इंसान ये सारी चीज़ें ज़्यादातर खा लेता है, स्पाइसी भोजन ज़्यादातर खा लेता है, तो इसके जो परिणाम होते दोस्तों वो विपरीत उल्टा हो जाता है। व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होने लगती है, कब्ज की शिकायत होने लगती है, स्टूल हार्ड हार्ड आने लगती है। इसके अलावा आप समझिए कि आखिरकार जो बवासीर के कॉजेज होते हैं, कारण होते हैं, क्या क्या होते हैं। ये तो रही जंक फूड और फास्ट फूड और लाइफ स्टाइल डिजीज के कारण। दूसरी चीज़ें मैं बात करूं तो लोग पानी बड़ा ही कम पीते हैं। दोस्तों, हमें जो खाना होता है उसका डबल हमें पानी पीना भी होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है 75% पानी का ही बना हुआ है। और पानी यदि हम कम पिएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो स्टूल होती है वो नॉर्मल ना आकर के हार्ड आना स्टार्ट हो जाएगी। और जब स्टूल हार्ड आएगी तो दोस्तों हमारा जो मुख गुहा है यानी हमारा जो मल द्वार है उसमें दोस्तों जब हार्ड स्टूल पास आउट होगा तो हमारा जो मल द्वार है उसमें रगड़न आ जाएगा, घिसाव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो त्वचा होता है, वहाँ का जो मसल्स होता है काफ़ी नाजुक, काफ़ी कोमल और काफ़ी दोस्तों सॉफ्ट होता है। और वहाँ का जब मच्छर रगड़न आएगी बार 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 तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इन्फ्लामेशन होगी, सूजन होगा, तो दोस्तों वहाँ का जब दीवार रगड़न होगी तो ब्लड भी आना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ का जो भी एनल एरिया है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी और धीरे 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 बवासीर का रूप ले लेगी। ये कई ऐसे कारण हैं। दूसरी कारण, हम अपनी लाइफ स्टाइल में इतना खान पान करते हैं लेकिन डेली का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, योगा नहीं करते। ये कई सारे कारण दोस्तों जो कि पाइल्स यानी बवासीर होने के कारण बनते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल हम बात करें तो इस पाइल्स जैसे समस्या को, बवासीर जैसे समस्या को ठीक करने के लिए स्पिलेंट सिरप का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो सिरप होती है 100% आयुर्वेदिक तौर तरीकों से बनाया जाता है, 110% आयुर्वेदिक होती है, जिसका इस्तेमाल हमें बेहतर तरीके से करना होता है। इसका ये फ़ायदा तो है ही दोस्तों, दूसरी चीज़ें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ये नॉर्मल करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ये मजबूत करती है। जब हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा, स्ट्रोंग होगा, पेनक्रियाज स्ट्रोंग होगा, लीवर स्ट्रोंग होगा, हमारी आंत स्ट्रोंग होगी, तो दोस्तों हम जो खाना खाएंगे वो बढ़िया से पचेगा भी और उस भोजन में जो न्यूट्रिशन होंगे वो हमारे बॉडी के ऊपर जा करके लगेगा भी। ओवरऑल दोस्तों जो बवासीर होती है वहाँ का जो ब्लड वेसल्स होता है कमज़ोर हो जाती है और वहीं से ब्लड रिसती है, उस ब्लड वेसल्स को भी मजबूत करता है, रिपेयर करने का काम करता है। उस जगह का जो भी टिश्यू होती है, सेल्स होती है, उसे जान भरने का काम करता है, उसमें जान देने का काम करता है, जिससे कि जल्द से जल्द आपका जो जख्म है, घाव बन चुकी है बवासीर का, वो जल्द से जल्द ठीक होती है और व्यक्ति को बेहतर से बेहतर रिजल्ट दोस्तों मिलती है। इसके अलावा आपके शरीर का ओवरऑल जो रक्त वाहिका है वो भी दोस्तों मजबूत होती है, रक्त धमनियां मजबूत होती है, जिससे कि आगे यदि आप किसी चीज़ से इंजर्ड हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उस जगह का जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो स्ट्रोंग होती है। आपको ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ दोस्तों, पेनक्रियाज के साथ साथ दोस्तों, बवासीर को ठीक करने में ये सिर्फ मदद करती है। दोस्तों इसके हम यूज़ की बात करें तो जैसा कि आपको यदि बवासीर है, बवासीर दोस्तों तीन प्रकार का, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, मस्से वाले बवासीर। यदि आपको किसी भी टाइप का बवासीर है उसमें कारगर रिजल्ट अपना देती है, लेकिन आपको इसका जो डोजेज होते हैं वो बेहतर तरीके से समझ बूझ के लेना होता है। सबसे पहले हम इसका डोज की बात करें, आप तो समझिए, यदि आप समझ जाएंगे तो किसी भी व्यक्ति को आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो समझिए इसके डोजेस को बेहतर तरीकों से। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को बवासीर है तो पिलेंट टैबलेट तो देना ही देना है, लेकिन उसके अलावा इस सिरप को भी दोस्तों ऐड करके देना है। इस सिरप का जो डोज होगा, इसके मैं अडल्ट व्यक्तियों की डोज की बात करूं तो इसके जो डोजेज होते हैं बड़े लोगों में, वो दोस्तों 10 ml गुनगुने गर्म पानी के साथ खाना खाने के कुछ देर पहले इसे लेना होता है, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेना है दोस्तों, 14 दिन यानी 2 सप्ताह। 2 सप्ताह के बाद जो इसके डोजेज होंगे, 10 ml सुबह, 10 ml शाम, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसके कोर्सेज होते हैं वो दोस्तों 3 से 4 महीने तक लेना है, सुबह शाम खाना खाने के कुछ देर पहले। इसी जगह पे मैं चिल्ड्रेन की बात करूँ, बच्चों की बात करूँ, तो यदि किसी बच्चे का उम्र 10 साल से ज़्यादा और 15 साल से नीचे है तो उस बच्चे को 5 ml से लगा करके 10 ml तक आप दे सकते हैं सुबह और शाम। 2 से 3 महीने इसका लगातार सेवन करवाएं, बच्चों में एवं बड़ों में और पाइल्स की समस्या में बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगी दोस्तों। पाइल्स की समस्या, बवासीर की समस्या और उबादी बवासीर, खूनी बवासीर और मस्से वाले बवासीर, कई प्रकार के जो भी ऑल टाइप्स के बवासीर होते हैं उसमें बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगी। सो दोस्तों ओवरऑल हमने इस वीडियो में बात किया बवासीर के पिलेंट सिरप के बारे में। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी बवासीर के कारण, आखिरकार बवासीर होता कैसे है, क्यों होता है, कारण क्या है, और उसका मैंने ट्रीटमेंट भी आपको इस वीडियो में बता दिया है। सो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।